Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now today in this video we will discuss about the some basic concept of chemistry. Concentration terms ke bare mein padhenge. Now so first of all we will proceed our topic today. First of all we see that what is a solution. सॉल्यूशन क्या जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है कि एक सॉल्यूट को अगर हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं और वो कम्प्लीटली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो वो एक टाइप का क्या बनाता है सॉल्यूशन बनाता है. तो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन है वो कैसा मिक्सचर होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. होमोजीनियस मिक्सचर्स का मतलब होता है जिसमें एक सिंगल फेज हो. और फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम एक ग्लास वाटर के अंदर अगर हम 1 स्पून साल्ट डालते हैं वो डिसॉल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है डिसॉल्व हो जाता है साल्ट और वहाँ से फेक के सिंगल फेज बनाते हैं. तो उस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है. तो नाउ वी कैन डिफाइन सॉल्यूशन. ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस mixture of two or more chemically non-reacting substances. Chemically non-reacting substance. The relative amount of which can be varied सर्टेन. सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर. जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस जिसमें दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस लेते हैं जो कि क्या है आपस में नॉन केमिकल रिएक्टिंग है, मतलब वो आपस में केमिकल रिएक्ट नहीं करते. द रिलेटिव अमाउंट ऑफ विच कैन बी वैरिड अप टू ए सर्टेन लिमिट, लेकिन उसकी भी क्या होती है एक सर्टेन लिमिट होगी. फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था साल्ट और वाटर का, साल्ट इन वाटर. तो अगर हम साल्ट और वाटर लेते हैं या फिर शुगर इन वाटर लेते हैं तो आप एक लिमिट तक ही उसके अंदर वाटर के एक ग्लास वाटर के अंदर क्या शुगर या साल्ट को डिसॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा एक लिमिट से ऊपर जाके आप उसको उसके अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते. तो जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस द रिलेटिव अमाउंट ऑफ विच कैन बी वेरिड अप टू ए सर्टेन लिमिट होगी. अब हम ये सॉल्यूशन है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ये सॉल्यूशन है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की. जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा, एक पार्ट सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा. सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके ही क्या फॉर्म होता है, सॉल्यूशन फॉर्म होता है. कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट that is equal to solution. Solute plus solvent that is equal to solution. Now the question is what is solute and what is a solvent. Now solute, the component, the component present in smaller quantity, present in smaller
क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट द कंपोनेंट presenting the component present in larger quantity now this component is known as a solvent example salt in water अगर हमने कहा salt in water तो salt को किसके अंदर डाला गया है water के अंदर डाला गया है यानी कि जो salt है वो which is less in quantity and water which is larger in a quantity larger in quantity now from here salt is a solute and water is a solvent binary solution binary solution kya hota hai bi ka matlab hota hai two यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर ओनली टू कंपोनेंट्स है यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सिर्फ हमने दो ही कंपोनेंट लिए यानी कि एक तो जैसे साल्ट इन वाटर लिया तो एक तो हो गया साल्ट और दूसरा हो गया वाटर तो यहाँ सिर्फ दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन मैंने सॉल्यूशन कंटेन only two types of component only two types of component for example salt in water sugar in water salt in water now here is two components salt and water This type of solution is known as binary solution. Yeah. Concentration of solution का मतलब क्या होता है कि उस किसी भी solution जो हमने form किया उसकी concentration कितनी है मतलब कैसी है कि उसमें solute ज़्यादा है solvent ज़्यादा है किस percentage से उसको dissolve किया गया है तो जो concentration of solution है हम वो बहुत ज़्यादा way से निकाल सकते हैं Now the next our topic is expressions of concentration of a solution. कि जो concentration of solution की concentration है हम उसको किस तरह से express कर सकते हैं mass percentage mass percent of a solute in a solution is the of solute in grams in 100 gram of this solution 100 gram of the solution is equal to mass of solute upon the mass of solution and multiply by 100 now here mass percent of a solute in a solution is the mass of solute in gram percent in 100 gram of the solution ki 100 gram solutions ke andar kitne gram solute
परसेंट है उसे हम क्या कहेंगे, मास परसेंट कहेंगे। नेक्स्ट इज कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आए कि उसमें हमें मास परसेंटेज निकालना हो तो हम किस वे से निकालते हैं, तो यह है कि एक सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है बाय 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कि हमने कोई 2 ग्राम सब्सटेंस लिया है और उसको 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व करके हमने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन फॉर्म किया है। तो नाउ कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ ए सॉल्यूट, तो हमें सॉल्यूट की मास परसेंट निकालनी है। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमने किसका ये फॉर्मूला है मास परसेंट का सॉल्यूट के लिए, कि मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या है और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है। नाउ हियर सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट भाई सॉल्यूट क्या होगा, क्वांटिटी इसकी कम होगी, तो 2 ग्राम और 18 ग्राम में क्वांटिटी कम किसकी है, 2 ग्राम की है, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया हमारे पास यहाँ 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना दे रखा है 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 18 ग्राम। नाउ हियर फ्रॉम मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू 20 ग्राम। नाउ मास परसेंट, मास परसेंट दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। नाउ हियर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू 2 एंड मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 कैंसिल 10। नाउ हियर मास परसेंट ऑफ ए सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू 10 परसेंट है सॉल्यूट की, वो कितनी आई है मेरे पास यहाँ से 10% आई है। ठीक है, नाउ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मास परसेंट ऑफ, मास परसेंट के ऊपर मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट पूछ लेगा वहां से हमें, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता होना चाहिए। नाउ कैन वी फाइंड मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। नाउ द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इज एज द of the present of the solution। To formula of strength is मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ फ्रॉम हियर The strength of a solution is defined as the amount of the solute in gram present in per liter
ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि एक लीटर वॉल्यूम्स के अंदर सॉल्यूट के कितना ग्राम सॉल्यूट उस एक लीटर में प्रेजेंट है, वो क्या होगी उसकी स्ट्रेंथ होगी. नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट स्ट्रेंथ इज मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि पर एक लीटर में मतलब उसकी जो वॉल्यूम होगी एक लीटर उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसे हम किससे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेंथ से कैलकुलेट करेंगे. नाउ द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलारिटी. द मोलारिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रेजेंट पर लीटर, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. And it is represented by capital M. जो molarity है वो क्या है, number of moles of the solute present per liter volume of the solution in a liter. कि एक liter volumes के अंदर कितने number of moles solute के present है वो हम किसे कैलकुलेट करते हैं, मोलरिटी से कैलकुलेट करते हैं. तो जो मोलरिटी टर्म्स है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ फ्रॉम हियर मोलरिटी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट to the volume of the solution in a liter, where number of moles is equal to number of moles that is equal to given mass upon the molar mass. Given mass upon में molar mass. Now सबसे पहले हमें number of moles निकालना होगा. आपको given mass दिया होगा, molar mass की उसका molar mass कैसे निकालेंगे हम इसके ऊपर questions करेंगे, base तब समझ में आ जाएगा. सिर्फ ये याद रखना कि molarity क्या होती है, number of moles of solute to the volume of the solution in a liter. यहाँ जो number of moles होंगे that is equal to given mass upon में molar mass. जो नंबर ऑफ मोल्स आपको याद रखने वाली बात क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास. नाउ द नेक्स्ट इज मोलरिटी. अभी जो हमने किया था वो मोलरिटी किया था, एम ओ एल ए आर आई टी वाई. नेक्स्ट इज है मोलरिटी. द मोलरिटी सॉल्यूशन as the number of mole of solute dissolved in 1 kilogram of the solvent. It is represented by small m. जो मोलरिटी वो क्या होती है, हमने मोलरिटी पढ़ी थी, मोलरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. लेकिन जो मोलरिटी है उसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kilogram ऑफ द सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉरी. तो यानी कि जो यहां से मोलरिटी होगी इसके इक्वल हुआ मोलरिटी
मोलेलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन वन किलोग्राम। यहां जो हमें नीचे लेना है वो क्या देखना है, सॉल्वेंट देखना है। मोलरिटी के अंदर क्या था, सॉल्यूशन था, लेकिन यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो एक किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने डिसॉल्व हैं, तो दैट वो हमें कौन बताता है, मोलेलिटी बताती है। जो मोलेलिटी है इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी, सॉल्यूशन द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ फ्रॉम हियर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, एन एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन वन लीटर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन वन लीटर। जो नॉर्मेलिटी है वो क्या होती है कि एक वॉल्यूम, एक लीटर वॉल्यूम्स के अंदर कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। अब वो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है सॉल्यूट का, वो एसिड बेस आयन सबके लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। हम किस तरह से फाइंड करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, हम डिस्कस करते हैं। नाउ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में हमें सबसे पहले क्या करना है, इक्विवेलेंट मास निकालना होता है। तो इक्विवेलेंट मास किस किस का निकाल सकते हैं हम, एसिड का, बेस का, या फिर कोई भी साल्ट है, एलिमेंट है, क्या है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इक्विवेलेंट मास, वैलेंट मास ऑफ एन एसिड, कि हम किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास किस तरह फाइंड आउट करेंगे। Now the molar mass of acid upon its basicity, basicity कि किसी भी एसिड के अंदर जो उसका मॉलिकुलर मास होगा उसको किससे डिवाइड करना है, बेसिसिटी से डिवाइड करना है। Now the what is basicity, basicity is displaceable H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड्स, की एक एसिड्स के अंदर वो कितने एच पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस कर सकता है, वो ही उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इक्विवेलेंट मास मास ऑफ HCl, HCl क्या है, एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास देखना है। तो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का मास कितना होगा, वन वन प्लस क्लोरीन का मास दैट इज इक्वल टू 35.5 अपॉन में बेसिसिटी, बेसिसिटी हमने क्या बताया, द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल डिस्प्लेसेबल एच पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, कि एक एसिड के अंदर कितने H पॉजिटिव आयन को वो डिस्प्लेस कर सकता है। भाई यहाँ पे HCl में सिर्फ एक ही H है,
तो यहाँ जो इसकी बेसिसिटी होगी वो क्या होगी, वन होगी, क्योंकि सिर्फ ये एक एच पॉजिटिव आयन को ही क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है. नाउ फ्रॉम हियर दिस इज बेसिसिटी इज वन. नाउ हियर इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl इज दैट इज इक्वल टू 36.5. अगर हमें कहें कि इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. नाउ फ्रॉम हियर H2SO4, फर्स्ट ऑफ ऑल द मॉलिकुलर मास ऑफ दिस एसिड इज हाइड्रोजन 2 प्लस में 32. भाई हाइड्रोजन 2 प्लस सल्फर का मास दैट इज इक्वल टू 32 प्लस में ऑक्सीजन 4 है. एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है तो 4 ऑक्सीजन का मास 64. नाउ फ्रॉम हियर दैट इज इक्वल टू 98. नाउ व्हाट इज इट्स बेसिसिटी, हमें इसकी बेसिसिटी से क्या करना है, डिवाइड करना है ना, अपॉन में बेसिसिटी. तो यहां से हमें 2 प्लस दैट इज इक्वल टू 98 और बेसिसिटी क्या बताया हमने, डिस्प्लेसेबल एच पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड. तो यहाँ पे कितने एच पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड H2, सो इट्स बेसिसिटी इज 2. नाउ दैट इज इक्वल टू 2 4 8 एंड 2 9 18. नाउ द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज 49. नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस. इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए बेस अपॉन इट्स एसिडिटी. नाउ हियर व्हाट इज एसिडिटी, नाउ द एसिडिटी इज द डिस्प्लेसेबल ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस. के एक बेस के अंदर जितने OH आयन्स को वो डिस्प्लेसेबल कर सकता है, हटा सकता है, वो क्या होगी, उसकी एसिडिटी होगी. नाउ फॉर एग्जांपल के लिए इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, द मास ऑफ सोडियम इज 23 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 प्लस में 1 अपॉन इट्स एसिडिटी. Now that is equal to 40. And now the acidity is how many number of OH negative ion it displays. Now here only OH, sirf one OH ion is present. So we can say that here acidity is 1. Now the equivalent mass of NaOH is 40. Now next example, equivalent mass of Calcium hydroxide is also a base. Now here first of all the molecular mass of this base is, here calcium का कितना होगा, 40 plus oxygen 2 है, तो 16 to 32 plus में 2. Now that is upon में क्या है इसकी acidity. Now here 74 अपॉन में एसिडिटी. अब यहां से देखिए इसमें कितने हाइड्रोक्साइड आयन को ये डिस्प्लेसेबल कर सकता है, OH 2 है, यानी कि ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन को यहां से डिस्प्लेसेबल कर सकता है. तो नाउ इट्स एसिडिटी इज बिकम्स 2. नाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 2 3 6 एंड 2 7 14. तो नाउ द इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज दैट इज 37. नाउ द नेक्स्ट इज equivalent mass of a salt, that is molecular mass of salt and total positive valency. Total positive valency. For example के लिए जैसे हमने NaCl लिया, NaCl, तो NaCl के हमारे पास साल्ट है,
इसका पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ साल्ट अपॉन में टोटल पॉजिटिव वैलेंस, ए पॉजिटिव सीएल नेगेटिव, ये साल्ट है तो एन ए पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास देखना है। तो मॉलिक्यूलर मास इज दैट इज 23 प्लस में क्लोरीन का क्या हुआ 35.5, दैट इज इक्वल टू 58.5 है ना, और अपॉन में इसके क्या है टोटल वैलेंसी, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। तो यहाँ पॉजिटिव वैलेंसी एन ए पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव कितना है 1, नाउ हियर 58.5। नाउ द इक्विवेलेंट मास ऑफ ए साल्ट फॉर एन ए सी एल इज 58.5। कैलकुलेट द मोलरिटी of sodium hydroxide in the prepared by अब यहां देखिए क्वेश्चंस के अंदर क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml of the solution। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मोलरिटी का फॉर्मूला लिखना है कि आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल मोलरिटी, मोलरिटी है क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। अगर यहाँ मिली लीटर के अंदर हमें वॉल्यूम दी हुई है तो हमें उसे क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ फ्रॉम हियर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। नाउ हियर गिवन मास, कितना मास गिवन है, देखिए आपको 4 ग्राम कह रखा है कि वाटर के अंदर हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, तो गिवन मास यहां से कितना हुआ हमारे पास 4 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछ रहा है मोलरिटी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो यहां से अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू 23 प्लस में ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1, दैट इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से जो मोलरिटी यानी कि जो मॉलिकुलर मास आया सोडियम हाइड्रोक्साइड का दैट इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं अभी 4 यानी कि 4 × 4 1/10 है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए हमारे 1/10। सो मोलरिटी फ्रॉम हेयर मोलरिटी दैट इज इक्वल टू किसके होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हमारे पास 1/10 आया, इन टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितनी दे रखी है भाई 250 ml। अगर ml में दे रखा है तो मैंने क्या कहा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ फ्रॉम हियर एंड दिस इज 25 × 4 = 100, now it is 4/10 that is equal to 0.4 m। जो मॉलरिटी है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द मॉलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 0.4 m। नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉलरिटी नॉर्मेलिटी के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको इस तरह से करना है। वहां नॉर्मेलिटी में सिर्फ इक्विवेलेंट मास निकालना है आपको। इन नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।